नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इन्फिनिक्स हॉट 11S वर्सेस टेक्नो स्पार्क 8C का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो हॉट 11S में 6.65 इंच जबकि स्पार्क 8C में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि हॉट 11S से कम है। विड्थ की बात करें तो हॉट 11S में 3.03 इंच जबकि स्पार्क 8C में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि हॉट 11S से कम है। बात करें थिकनेस की तो हॉट 11S में 0.35 इंच जबकि स्पार्क 8C में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो हॉट 11S में 205 ग्राम्स जबकि स्पार्क 8C में 193 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो हॉट 11S में 20:5:9 जबकि स्पार्क 8C में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो हॉट 11S में 6.78 इंचेस जबकि स्पार्क 8C में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन हॉट 11S में 1080x2480 और स्पार्क 8C में 720x1612 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो हॉट 11S में 84.06% जबकि स्पार्क 8C में 84.12% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो हॉट 11S में 399 पिक्सेल प्रति इंच जबकि स्पार्क 8C में 267 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो हॉट 11S में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और स्पार्क 8C की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, सेकंड कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो हॉट 11S में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और स्पार्क 8C में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो हॉट 11S में माली G52MC2 जबकि स्पार्क 8C में माली G57MP1 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो हॉट 11S में MediaTek Helio G88 और स्पार्क 8C में Unisoc T606 मिलता है। बात करें RAM की तो हॉट 11S में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB की RAM मिलती है, जबकि स्पार्क 8C में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 3GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो हॉट 11S में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि स्पार्क 8C में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो हॉट 11S में 3 कलर्स जबकि स्पार्क 8C में 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो हॉट 11S में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 10,499 रुपीज़
4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 11,499 रुपीस में मिलता है। और बात करें स्पार्क 8C की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 3GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 7,499 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो इन्फिनिक्स हॉट 11S में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें टेक्नो स्पार्क 8C की तो उसमें 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में हॉट 11S आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A12 है, दूसरा Xiaomi Redmi Note 10 Pro है, तीसरा Xiaomi Poco M2 Pro है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 9 Prime है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।